जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 और 11 तक वीडियो बन चुकी है। कहता है कि 7 मीटर भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन, मतलब पहले भवन बनाना है, भवन 7 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर कहता है कि एक शिखर में एक केबल टावर लगा है जिसका उन्नयन कोण 60 है, इसके पाद बिंदु का मतलब इसके नीचे बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, कहता है क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, वो साहब कह रहा कि 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग बनाओ आप, इतना खांचा बनाना है 7 मीटर का। द एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, जो ऊपर का मतलब कोण है केबल एलिमिनेशन एंगल वो 60 है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो अब इसमें जो है आपको हाइट ऑफ टावर मतलब कि हमको क्या निकालना है ना, सीडी अगर हमको ज्ञात हो जाए तो पूरा ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, है ना, समझ में आई बात। तो इसमें देखते हैं, अब जो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो इसमें दिया है, पहले हल लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सॉल्व, दिया है मतलब गिवन दैट, गिवेन दैट दिया है ए बी बराबर, मतलब भवन की ऊंचाई ऐसा लिख लो, भवन मतलब ए बी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर और बस हो गए, बाकी कुछ है नहीं अपने पास। हाँ, अब देखो इसका ये 45 अगर ये कोण है, अगर ये त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो इसका जो है ये एंगल भी 45 का होगा एकांतर कोण के हिसाब से, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, इंग्लिश बोलते हैं अल्टरनेट एंगल और हिंदी बोलते हैं एकांतर कोण। अब अगर हम ट्रिंगल त्रिभुज एबीसी में, बड़े अच्छे समझना, सब समझ में आएगा, इन ट्रिंगल एबीसी, तो इसमें कितना बन रहा है एबीसी में 45 टैन 45 बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का फिर लिख लेना है, और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कहाँ है देखा। अब इसमें जो है टैन 45 है, तो लंब कितना है, लंब बटे आधार लेना है, लंब ए बी है ना, और आधार कितना है बी सी है, ठीक है, आधार बी सी है, तो टैन 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी अपना 7 दिया है और बी सी को बी सी लिख लेते हैं, तो इसका क्रॉस इंटू अगर करेंगे तो बी सी बराबर अपना आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो इतना है आपका पहला समीकरण हो गया, मीटर नहीं लिखना, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वाले में देखो एडीई, त्रिभुज एडीई में इन ट्रिंगल एडीई, तो उसमें भी वही लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार देखो एई जो है बीसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना, एई बीसी के बराबर होगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि tan 60 इक्वल DE अपॉन AE, हालांकि ये बराबर है, तो देखो ये DE इसका लंब हुआ, AE क्या हुआ आधार हुआ, है ना, आधार हुआ, तो अंडर रूट 3 DE तो हमको फाइंड ही करना है और AE भी पता नहीं ना।
अब यहाँ आगे चलते हैं, इसके नीचे एक लगा लो, क्रॉस इनटू करोगे तो ए ई अंडर रूट थ्री इक्वल डी ई, ए ई अंडर रूट थ्री इक्वल डी ई, ये आपका ये आ गया। ठीक, अब इसमें देखो मैंने क्या बताया कि ए ई बराबर बी सी है कि नहीं है, बात समझना, ए ई बराबर क्या है, बी सी है, तो बी सी बराबर हमारे पास सात है, तो समीकरण इसको दो मान लो, तो समीकरण दो में है ना ए ई का मान रखने पर, या बी सी का मतलब ए ई बना दो, ए ई का मान रखने पर तो ए ई देखो बी सी बराबर ए ई मैंने लिख दिया, तो ए इसमें क्या है सात, तो सात करनी तीन बराबर डी ई, सात करनी तीन बराबर डी ई है ना। अभी हाँ अब डी ई आ गया, अब इसमें हाइट ऑफ टावर, हाँ अब इसमें निकाल लो एच ई आई जी एच टी हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर की ऊंचाई तो देखो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए सी डी पूरा लेना पड़ेगा, तो अगर इसको हम इस तरह लिख दें कि सी डी ई प्लस ई सी, क्या गलत है भाई, पूरा ना लेना है सी से डी तक, तो डी ई और ई सी, तो डी ई का मान आया सेवन अंडर रूट थ्री और ई सी का मान है सात, तो सात कॉमन हो गया, यही आपका आंसर है ना, समझ में आई बात। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखो बात समझो, फिर समझना है कि गिवन दैट ए बी इक्वल सेवन मीटर, ए बी दिया हमारे में सेवन मीटर, और इसके बाद कहते हैं सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर का एक केवल टावर के शिखर कौन कौन साठ, इसके पाद का अवनमन कौन पैंतालीस, तो कुल मिला के एक भवन बना लो सात मीटर, सात मीटर का, फिर उसके ऊपर एक टावर खड़ा कर दो, अब टावर खड़ा करने के बाद वो बोल रहा है कि 60 डिग्री है, पाद का अवनमन कोण मतलब जो उसकी आधार रेखा है उस आधार रेखा से इस आधार रेखा का जो कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, क्योंकि ये इसका एकांतर कोण हुआ, क्या हुआ एकांतर कोण, क्योंकि हमको ट्रिंगल एबीसी लेना है, निकाल लो और इसके बाद दोनों को एड कर दो तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है और कोण जो है 30 और 45 के बन गए, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। अब इसमें देखो द एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एक्जेक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर पहले इसका डायग्राम बनाओ, पहले तो एक समुद्र तल से हम ले लिए 75 मीटर ऊंचाई, ये 75 मीटर का ऊंचा वो हो गया, क्या एक लाइट हाउस हो गया। अब इसका जो अवनमन कोण देखो, अवनमन जो बोलता है ऐसा बनता है, पहले बात समझना ना, तो अवनमन कोण दो कोण बन रहे हैं ना, देखो यहां ये 30 डिग्री बनेगा
तो ये ऊपर की तरफ बना तो एकांतर कोण इसका ये होगा 30 डिग्री, और ये पूरा कोण 60 है, पूरा कोण कितना है यहां से यहां तक 60 है, तो ये भी बनेगा 60 डिग्री। बात समझ में आई? नहीं 60 नहीं 45 है, सॉरी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कोण ये बना। अब इसके बाद हो गया, अब दोनों नामकरण कर दो ए बी सी डी, ठीक ए बी सी डी। अब देखो सबसे पहले चाहे एंगल अंदर का लेना हो तो अगर हम लेते हैं ए सी डी, अगर इसको लेंगे 45 डिग्री को, इसमें लिख लें पहले कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए। हल नंबर 13 इंग्लिश बाय लिखेंगे सॉल्व, तो लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। इंग्लिश मीडियम आए लिखेंगे हाइट ऑफ लाइट हाउस, ऐसे। अब अगर त्रिभुज हम एबीसी लेते हैं, ट्रिंगल एबीसी में इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रिंगल एबीसी, फिर वही लाल बटे कक्का आएंगे क्योंकि लंब दिया है, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार लेना है तो 75 मीटर और सीट दो आधार हैं, इसके सीडी भी है ना, तो समझ रहे हैं ना बात को। तो इसमें अब हम लिखेंगे कि tan 45 इक्वल AB अपान CD। देखो AB लंब हो गया और CD इसका क्या है, आधार है ना, तो AB अपान CD हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, AB की वैल्यू कितनी है 75, DC हम CD हमको फाइंड करना है, तो तिर्यक गुणा कर दें इसको तो CD बराबर 75 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया पहला। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में तो ABD में देखोगे इंग्लिश वाय लिखेंगे इन ट्रिंगल ABD, तो tan 30 डिग्री इक्वल, अब परपेंडिकुलर मतलब लंब वही रहेगा AD और बेस अपना कितना हो जाएगा BD, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AD हमारा 75 दिया है और BD हमको फाइंड करना है, BD हमारे पास अभी नहीं है, पर BD बराबर हम अगर दिमाग लगाएं, देखो तो BD हमको निकालना क्या, पहले ये दिमाग रखो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज यहां खड़ा है एक जहाज यहां खड़ा है, मतलब हमको इस दूरी को निकालना है, इसको इस दूरी को फाइंड करना है यहां से, ये दूरी है ना, तो BD हमारे काम का, अगर BD में हम CD घटा दें, BD में अगर हम CD को घटा दें तो हमको इसको मिल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। इसे BC बराबर हम लिख सकते हैं कि BD माइनस CD, ये दिमाग में रखना है। तो त्रिभुज गुणा किए तो BD बराबर हो गया 75√3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब चूंकि हमको निकालना क्या है BC, तो हम यहां लिखेंगे दो जहाजों के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब जब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हो गया तो हमको देखो निकालना क्या है CD, BC,
तो बीसी बराबर हम क्या लिखेंगे कि बीडी माइनस सीडी। बीडी कितना आया, 75 अंडर रूट 3 माइनस सीडी कितना है, 75। 75 इसमें क्या है, कॉमन है, तो यहां करनी 3 बचा, यहां माइनस 1 बचा मीटर। समझ में आई बात है ना। बस इसी तरह बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको ये पहले तो ये पता होना चाहिए हमको निकालना क्या है और दिया क्या है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, जैसे अब इसमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी पहुंचा, तो एक जहाज यहाँ पहले बता दिया 30 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है, दूसरा जहाज यहाँ पास खड़ा है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि आगे गए नहीं, ये पॉइंट इसी के दोनों का है, बीसी निकालना है। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसको करो। अब आगे आपका आया 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें चित्र बना है, चित्र बनाने वाला जो आपका दिक्कत होता है वो खत्म। इसमें कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.6 मीटर की लड़की है और 88.2 मीटर गुब्बारा ऊपर उड़ रहा, उसको देख रही हो। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, जब वो 30 से 60 हुआ उस दौरान उसने कितनी दूरी तय की। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, आ 1.2 मीटर टाल गर्ल्स स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंसेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिमिनेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अंतराल, इंटरवल मतलब होता है अंतराल, इसीलिए मतलब ये हिंदी में समझा देता हूं तो आपको समझ में आ गया। तो हमको दिया क्या क्या है कि इसमें लड़की की जो लंबाई है वो अपने पास है 1.2 मीटर। एक क्वेश्चन हमने ऐसा लगाया है पीछे है ना, तो वो 88.2 जो हाइट है गुब्बारे की वो तो माइनस में होगा 1.2 है ना, 1.2 हाइट माइनस होगी। अब बात समझना थोड़ा, तो इस चित्र को आसानी से बना लेते हैं ऐसा। मान लो इसमें एक गुब्बारा बना है, तो गुब्बारा तो नहीं बनेगा मुझसे बनाते, पर आप लोगों को मान लो एक गुब्बारा है, अब यहां से एक त्रिभुज बना, ये बना, अब यहां से इसका कोण यहां अटैच हो गया, ये 60 डिग्री है और घटकर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, नीचे एक लाइन और दी है ऐसा, मान लो ये लाइन, यहां इसकी हाइट, ये लड़की है, लड़की अब पैसा बनाऊ जाने दो, ये 1.2 मीटर यहां तक ऐसा समझ लो। अब ये 88.2 है पूरा मीटर, मतलब यहां से यहां तक की हाइट ऐसा। ठीक, बात समझ में आ रही। अब इसमें हम अपने मन से ए बी सी डी ई एफ सब में नाम लिख दिए, बात समझ में आई। कुछ भी कहीं से भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं जरूरी कि ये यहीं लिखना है, बी यहां लिखना, जहां मन पड़े वहां लिख दो, बस आपसे आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें दिया क्या क्या है वो जरूरी है। हल नंबर 14 दिया है, गिवन दैट, इतना तो लिखते आ जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की की ऊंचाई दिया है, लड़की
की ऊंचाई बराबर 1.2 मीटर, गुब्बारे की ऊंचाई बराबर 88.2 मीटर, ठीक। तो हाइट ऑफ गर्ल्स और हाइट ऑफ बैलून, इतना इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। अब जो शेष ऊंचाई बचेगी तो 88.2 - 1.2, दशमलव का माइनस मैंने सिखाया, इसमें 8 में 7 ये 87 आ गया, मतलब 87 मीटर ये खंभों की ऊंचाई बची गुब्बारा काट के, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? ये सब 87 मीटर हैं लंबे, मतलब ये भुजा 87 की होगी और ये भी 87 की होगी, ठीक। अब अगर हम 30 डिग्री को देखें तो कौन सा, यहाँ नाम है नहीं लिखा, ए बी सी डी ई, इसको बना लो एफ, इसको बना लो जी, इसको बना लो, ठीक है। अगर हम 30 डिग्री लेना चाहें, क्या लेना चाहें, सिक्स मतलब 30 डिग्री ले लो, कोई जरूरी नहीं, लिखो त्रिभुज ए ई बी, 2 मिनट ना, ए ई बी, रुक जाओ 2 मिनट, ए डी सी, ठीक। देखो अब इसमें त्रिभुज ए ई बी जब 30 डिग्री कवर करेंगे तो ए ई बी में इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे इंट्रिंगल ए ई बी। तो देखो लंब दिया है, आधार हमको फाइंड करना है, आधार हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो tan 30 बराबर वही लाल बटे कक्का से आएगा, तो लंब बटे आधार है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, लंब कितना बचा हमको 87 लेना। देखो कंफ्यूज मत होना क्योंकि 87 से हमको काम चलाना है ना, तो 87 अपान आधार क्या है हमारा EB, आधार क्या है हमारा EB, तो अब इसको EB बराबर 87 अंडर रूट थ्री, ये हो गया आपका समीकरण एक। अब 60 डिग्री देखो कहां बन रहा था, 60 डिग्री लेने के लिए ई एफ जी है ना, त्रिभुज ई एफ जी में इन ट्रिंगल ई एफ जी, तो यहां से ई एफ जी में देखो लंब क्या है इसका, tan 60 इक्वल लंब बटे आधार, यहां भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट थ्री इक्वल लंब इसका 87 और आधार इसका क्या कहलाएगा ईजी, क्या कहलाएगा ईजी, तो ईजी बराबर ईजी अंडर रूट थ्री इक्वल 87 है ना, तो ईजी इक्वल 87 अपॉन अंडर रूट थ्री, इसका परिमेयकरण कर दो आप
तो ये हो जाएगा ईजी बराबर 87 अंडर रूट 3/3, 3 से काट दो, 29 तिया 87। आगे आया है आपका ईजी बराबर 29 अंडर रूट 3, इतना आ गया। मतलब ईजी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 29 अंडर रूट 3, और ईबी की वैल्यू, ईबी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, मतलब 87 पॉइंट है ना। हमको बीजी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बीजी ज्ञात करना है। तो बीजी मतलब हाँ, इसमें आपको ये बीजी ज्ञात करना है। तो बीजी बराबर आपका हो गया, देखो बीजी ज्ञात करने के लिए, पहले इधर समझना, बीजी ज्ञात करने के लिए अगर ईबी में ईजी निकाल दो तो बचेगा क्या, बीजी है ना। तो बीजी बराबर आपका हो गया 87 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट 3, तो बीजी बराबर आपका आ गया 58 अंडर रूट 3 मीटर। ये आपकी हो गई क्या, मतलब अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है ना, समझ में आई बात है ना। तो इसको लिख लेना यहाँ लास्ट में कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, गुब्बारे द्वारा अंतराल में तय की गई दूरी बराबर 58.3 मीटर। गुब्बारे द्वारा गुब्बारे द्वारा अंतराल के दौरान तय की गई दूरी, अंतराल के दौरान तय की गई दूरी बराबर 58.3। और इंग्लिश मीडियम आए लिखे लेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इक्वल, यहां से ये द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इक्वल 58 अंडर रूट 3। ठीक, तो बात समझ में आई। इसमें हमेशा ध्यान देना कि जब हम, जैसे मान लो यहां पर कोई लड़की खड़ी है 1.6 की है, तो 1.6 की लड़की है, बाकी बोर्ड की ऊंचाई 88.2 है, तो उसको देखने के लिए इसकी लंबाई ऊंचाई कहां से चालू होगी, यहां से 1.6 काटने के बाद या 1.2 काटने के बाद। तो शेष लंबाई को पहले माइनस करो आप, जितना आपको निकालना है ना, जितने में आपका काम है। तो हमने 88.2 में 1.2 को माइनस किया तो 87 आया, और 87 को ही लेके चलना है आगे। ठीक है, अब अपने दिमाग में ये होना चाहिए, देखो सीधी सीधी बात, अगर कुछ नहीं जानते आप तो ये जानो कि एंगल कहां तक बने हैं, यहां तक, तो गुब्बारा उड़ पुड़ के यहीं तक गया होगा है ना। तो अंतराल के दौरान इतना गया, तो मतलब हमको अब इतना ज्ञात करना है, सीधी बात ऐसे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, एक बोलता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। अब इसमें कहता है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब होता है सामान्य चाल, यूनिफॉर्म मतलब सामान्य चाल, यूजुअल स्पीड से 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। अब पहले तो हम इसके आधार पर, कथन के आधार पर एक डायग्राम बना ले। इसमें जो भी डायग्राम बनाते जिससे आ गया, ये मान लो कि वो सवाल लगा लेगा 100%, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, मात्र डायग्राम का समझना ही है। अब तो इसमें देखो, सबसे पहले कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार से पाद की ओर जाता है, मान लो एक राजमार्ग हो गया है ना। फिर मीनार पर खड़ा आदमी यहां कार को 30 डिग्री अवनमन पर देखता, मतलब कार यहां है आदमी यहां है, अवनमन मतलब होता है झुकना, ऐसे जब झुक जाओ
तो क्या बन जाएगा, अवनमन। तो अवनमन कोण ऐसा दिखाया जाता है, यहां से ये बना ये एंगल एक, तो इसका एंगल कितना पहले बना 30 डिग्री, पहले कितने में देखता है वो 30 डिग्री में, तो इसका एकांतर कोण यहां 30 डिग्री बन जाएगा, बात समझना। फिर यहां से ये पूरा कोण कितना बना 60 डिग्री, तो इसका एकांतर कोण कितना होगा 60 डिग्री, बात समझ में आई। तो कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय, तो समय जो है यहां हाइट, मतलब इसकी हाइट निकालना है, क्या निकालना है, इस मीनार, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, इस बिंदु से कार को यहां तक आने में कितना समय लगा, तो मतलब हाइट अगर निकल आए तो हमको समय मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी सी और डी, ऐसा नामकरण हो गया, ठीक। अब इसमें कुछ दिया नहीं है हमको, मात्र सब कुछ अपने से बनाना है, तो इसमें हल डाल लें, हल नंबर क्या है 15, अपने से लिख सकते हैं जो भी लिखना हो। तो इसमें लेते हैं ट्रिंगल, सबसे पहले ले लें ए सी डी, ए सी डी में तो त्रिभुज, इंग्लिश वाले लिखेंगे इन ट्रिंगल ए सी डी। अब देखो हाइट दिया है, हाइट दिया मतलब लंब दिया, आधार फाइंड करना है, वही लगाना है हमको, टैन 60 डिग्री इक्वल ए डी अपॉन सी डी। तो टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3, ए डी कितना है एच, सी डी पता नहीं, तो सी डी अंडर रूट 3 बराबर एच, समीकरण क्या हो गया है आपका एक, ठीक। अब पूरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी डी, इन ट्रिंगल ए बी डी, तो टैन 30 डिग्री इक्वल ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। अब देखो दिमाग ये लगाना है, टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, और ए डी कितना है एच, बी डी हमको, हाँ यहाँ है एक बिंदु से, रुक जाओ 6 सेकंड बाद को, 6 यहाँ समय दिया है, सॉरी 6 सेकंड दिया है, कितना दिया है 6, यस लिखा है 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद 60 होता है, तो वी सी है अपने पास, ठीक है। तो बी डी, अब ये कहता है कि कार द्वारा लिया गया समय, अब इसका तिर्यक गुणा करो, हाँ यहां से देखो, अब इसको भी हम x मान लेते हैं तब समझ में आएगा। अब BD का मान देखो, अगर हम BD लिखना चाहें, यहां समझना, BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, BC प्लस CD बराबर पूरा BD, तो मतलब 6 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो BD की जगह हम यहां समझना, तो इसका त्रिज्या गुणा करके एच करनी 3 यहां लिख सक, यहीं लिख दो 6 प्लस एक्स कर दो, ऐसा काम हो जाएगा 6 प्लस एक्स, तो अब आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो एच करनी 3 बराबर 6 प्लस एक्स, ये आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, तो देखो अगर यहां हमने सी डी को एक्स मान लिया, तो आप लोग यहां एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी को हमने एक्स माना तो यहां भी एक्स लिख दो, कोई गलती नहीं है, मतलब ये गलती ना हो, यहाँ सी डी लिखा था हमने, वहां एक्स माना, तो इनको भी एक्स बना दो, तो एक्स अंडर रूट 3 हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना। अब यहां देखो तो एच का मान कितना हो गया एक्स अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 है ही, बराबर हो गया 6 प्लस एक्स, तो करनी 3, करनी 3 का गुणा किए 3 आया, एक्स बराबर 6 प्लस एक्स, और 3x माइनस एक्स बराबर 6,
तो 2x = 6, तो x = 6/2, तो ये हो गया आपका 3, तो x = 3। तो मतलब आपको कहना चाहिए कि कार द्वारा लिया गया समय, इसको लिख लो, कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 मिनट, 3 मिनट, है ना। ये आपको समझ में आया क्या? ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि टेकिंग टाइम, टाइम टेकन बाई कार, यहां लिख दो टाइम टेकन बाई कार, इतना। ठीक है ना। तो देखो यहां मैंने शुरू में एक्स नहीं लिखा था, सीटी मतलब इसको एक्स मान लोगे ये, क्योंकि मान मैं देख मतलब दिमाग से उतर गया था, 6 सेकंड है तो 6 सेकंड यह है दिया है, मतलब 6 इसका मान दिया कुल मिला के, तो ये एक्स हो गया, 6 सेकंड लिखे रहो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स आपको यहाँ एक्स मान लो, सी डी की मतलब जगह क्या लिख देना है, एक्स। तो ये क्रॉस इंटू किए, एक्स अंडर रूट 3 बराबर एच, ए बी डी बराबर, ए बी डी ले लो 1060, तो इसमें बी डी की जगह क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, मतलब 6 + x हम लिख सकते हैं, लिख दिया हमने और निकाल लिया, है ना, बी डी प्लस सी डी, है ना। इसके बाद समीकरण 2 में एच का मान रखने पर गुणा कर दो, तो ये सब आपका आ जाएगा। तो इसमें सेकंड दिया है, सॉरी इसमें सेकंड लिखना, क्योंकि सेकंड में टाइम दिया है ना, मिनट में नहीं, मैंने यहां सेकंड है, यहां भी सेकंड आएगा, बस हो गया 3 सेकंड। ठीक है, क्योंकि सेकंड में हमारा सवाल है तो सेकंड में टाइम आएगा, तो ये आपको ये हो गया। तो इस तरह ये 9.9 पूरा हो गया। और इसमें देखो मतलब बेसिक क्वेश्चन वही, उन्नयन कोण अवनमन कोण, तो अवनमन मतलब होता है सीधे झुकना, उन्नयन मतलब नीचे से, जब आंख की दृष्टि आंख कोण ऊपर की तरफ बने तो मान लो उन्नयन, और जब नीचे की तरफ बने तो अवनमन, सीधी बात है, उसमें कोई वो है नहीं। अब इसमें पेड़ की छाया होया, फिर मैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लेना। तो इस आशा के साथ कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।